शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने, चौराहों में बेलगाम यातायात व्यवस्था पर लगाम लगाने यातायात पुलिस ने जद्दोजहद शुरू कर दी है, जिसे लेकर ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने अधिकारियों के साथ चौराहों एवं प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया और व्यवस्था बनाने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। शहर की बेलगाम हो चुकी यातायात व्यवस्था और वाहन चालकों में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई का भय खत्म होने से यातायात व्यवस्था अनियंत्रित हो चुकी है। वाहन चालक मनमर्जी से यातायात के नियमों की अनदेखी कर वाहनों का परिचालन कर रहे हैं। इसके मद्देनजर यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने नव पदस्थ ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने शहर के प्रमुख चौराहों, मार्गों आदि का निरीक्षण अधिकारियों की टीम के साथ किया। ट्रैफिक डीएसपी ने सभी व्यवस्थाओं को देखा और बेलगाम हो चुकी यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण की जानकारी ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने दी। जो सोपेला चौक है, इसके ऊपर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है और अभी कुछ ही दिनों पर जो दोनों तरफ का ट्रैफिक है उसके लिए चालू किया गया है। तो इसमें हम लोग दोनों तरफ ट्रैफिक का अपन लगाया हुआ है और उनको ये हिदायत दिया हुआ है कि जो हाईवे का ट्रैफिक है उसको ज़्यादा चलाएं, इसके अलावा जो क्रॉसिंग है उसको इस प्रकार चलाएं कि दुर्घटना ना हो और आसानी से लोग यहाँ सड़क पार कर सकें। और ट्रैफिक को जो रोकते समय भी उनको बताया गया कि जो पीछे लाइन बना हुआ है उसके पीछे रोकें। इसके अलावा वायरलेसन भी उपलब्ध कराया गया है और लगातार कम्युनिकेशन बना के रखें जहाँ किसी लेते ना हो और लोग आसानी से सड़क को पार कर सकें। बहरहाल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने ट्रैफिक डीएसपी ने प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने की बातें कही हैं। साथ ही यातायात के नियमों की अनदेखी कर वाहनों का परिचालन करते वाहन चालकों पर समझाइश का असर नहीं दिखने पर कार्रवाई करने की बातें भी कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।